बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायके में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही जूसी, बहुत ही ज़्यादा क्रीमी पुलाव की रेसिपी लेके आया हूँ। ये आम रूटीन के पुलाव से थोड़ा सा हटके होगा। मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से टेस्ट को डिवेल्प किया जाता है, किस तरह से खुशबूदार पुलाव बनाया जाता है। हर चीज़ें डिटेल के साथ इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपनी खूबसूरत सी कढ़ाई में एक कप हम लेंगे कुकिंग ऑयल का। फ्लेम को हाई कर देंगे ताकि ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए। कभी भी ठंडे ऑयल में प्याज नहीं डालते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब ये गर्म हो जाए तब इसमें दो मीडियम साइज़ के प्याज काट के ऐड कर देंगे। प्यालियों को अच्छे से साफ किया करें, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। चलें जी, अब हम इन प्याज को अच्छे से यहाँ पे फ्राई करेंगे जब तक ये खूबसूरत सुनहरी कलर नहीं आ जाता। चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे कुछ खड़े मसाले हैं, 4 लौंग है, 2 बादियान के फूल, 2 तेज़पात और 1 इंच दारचीनी का टुकड़ा। ठीक है, ये खड़े मसाले यहीं पर अभी से ऐड कर देंगे। ये एंड तक इसमें जो खुशबू है उसको ऐड करेंगे। चलें जी, 4 छोटी इलायचियाँ मैं ऐड कर रहा हूँ, काली बड़े वाली जो होती हैं छोटे साइज़ की। अगर आपके पास बड़ी हैं तो आप 2 ऐड कर दीजिएगा, काफ़ी होंगी। चलें जी, अच्छे से जब एक सुनहरी सा कलर आ जाएगा तब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। ये 1.5 टेबल स्पून है, ठीक है, टीस्पून देखें तो वो 3 तकरीबन बनते हैं। चलें जी, अब आपने कम से कम 3 मिनट इस अदरक लहसुन के पेस्ट को देने हैं, वरना लहसुन की एक मखसूस सी स्मेल होती है जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, वो आती रहती है। ठीक है, 3 मिनट पका लेने के बाद आपने जो स्पेशल आज काम करना है ये है टमाटर का पेस्ट। 2 बड़े साइज़ के मैंने रेड कलर के टमाटर लिए हैं। ये ऐसा जूसी फ्लेवर लेके आएंगे चावलों में कि आप कहेंगे सुभान अल्लाह। चलें जी, 1 टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर जाएगा, 1 टेबल स्पून इसमें नमक जाएगा, हल्दी 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे और ये है कुटी हुई लाल मिर्च, ये 1/2 टीस्पून जस्ट, ये एक स्पाइसी इसमें ना टेक्सचर लेके आएगी। चलें जी, अच्छे से मसाले की हम करते हैं भुनाई, कोई कसर भुनाई में हम नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पे इसमें मैं चिकन ऐड कर रहा हूँ, अच्छी तरह धोके चिकन को ऐड करना है, 1/2 kg चिकन है। अब देखिएगा जो टेस्ट है वो यहीं पर डिवेल्प होगा, कोई आपने जल्दी नहीं करनी, अच्छी तरह से आपने इस चिकन की भुनाई करनी है तकरीबन 8 से 10 मिनट। ठीक है, और भुनाई हमेशा तेज़ फ्लेम पे होती है, लो फ्लेम के ऊपर भुनाई नहीं हुआ करती। तो एक बात मैं और बताना चाहूँगा, भुनाई के दौरान अगर आपको लगे मसाला जल रहा है ना तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। भुनाई का प्रोसेस जो होता है वो परफेक्टली डन होता है। यहाँ पर मैं दही ऐड कर रहा हूँ तकरीबन 100 ग्राम, जिसको ऑफकोर्स अच्छे से फेंट के फिर यूज़ करते हैं। और आपको पता है प्यालियों को अच्छे से साफ़ किया जाता है क्योंकि इससे रिस्क में बरकत आती है और अल्लाह ताला भी खुश होता है कि हम रिस्क की कदर कर रहे हैं। चलें जी, 8 से 10 मिनट मैंने भुनाई की थी चिकन की, अब इस दही को ऐड करके मज़ीद पकाएंगे। और यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर 1/2 टीस्पून पाउडर ज़ीरा और 1/2 टीस्पून साबुत ज़ीरा। ठीक है, ये ऐसे ही इसमें जाएंगे। और ये है काली मिर्च साबुत, 1 टीस्पून 1/2 टीस्पून इसमें ऐड कर दें, ऐसे ही जाएगी, पाउडर आपने नहीं ऐड करना। और 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। तो ये है हमारे पास मिक्स गर्म मसाला, ये 1 टीस्पून जाएगा इसमें। अब ये जो हमने काली मिर्च साबुत ऐड की है और ज़ीरा साबुत ऐड किया है, जब ये पुलाव आप खाएँगे तो आपको पता चलेगा ये कितना कमाल का लगता है, बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है। चलें जी, यहाँ पे हमने इसकी मज़ीद पकाई कर दी। अब हम क्या करेंगे, लेमन जूस ऐड करेंगे, 1 बड़े साइज़ का या 2 छोटे। इससे क्या होगा, चावल ना बहुत सॉफ्ट बनेंगे, ठीक है, जैसे उसमें आपने क्रीम ऐड की हुई है। अब ये पानी मैं 1/2 कप ऐड कर रहा हूँ इस चिकन को गलाने के लिए, जब मैंने चिकन का भुनाई का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, यहाँ पे चिकन की गलाई हो चुकी है, ये देखें, पानी ऐड किया था चिकन के लिए। अब सबसे अहम प्रोसेस, सबसे अहम काम इस रेसिपी का वो है पानी कितना ऐड करना है चावलों के लिए। ये गिलास मैंने भर के, 1.5 गिलास मैंने चावल धो के भिगो के रखे थे, ठीक है, 1.5 गिलास, और ये 1.5 गिलास ही मैं इसमें पानी ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि 1/2 घंटा मैंने चावलों को भिगो के रख दिया था 1/2 घंटा पहले। अगर चावल बगैर भिगोए डालते तो यहाँ पे 3 गिलास मैंने पानी ऐड करने थे, ठीक है। तो चावलों का और पानी की क्वांटिटी सेम है क्योंकि 1/2 घंटा पहले मैंने चावलों को भिगो के रखा था। चलें जी, एक दफ़ा मिक्स करके ऊपर ढक्कन रख देंगे, चावल ऐड नहीं करेंगे। कब तक ऐड नहीं करेंगे, जब तक अच्छे से सिहनी में बॉयल नहीं आ जाता। और ये हैं वो चावल जो 1/2 घंटा पहले मैंने भिगो के रखे थे, बासमती के राइस हैं ये। और अब वही बात कि प्यालियों को, प्यालों को, प्लेटों को अच्छे से साफ़ किया करें, कोई भी रिस्क का जो एक दाना भी है वो ज़ाया नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे आपने जब इन चावलों को ऐड कर देना है, फ्लेम आपने हाई रखना है, लो नहीं रखना। एक दफ़ा चम्मच के साथ बहुत ही नरमी के साथ चावलों को आपने इस तरह से मिक्स कर देना है कि यहनी इसके चारों तरफ जो है वो अच्छे से लग जाए, ठीक हो गया। अब आपने ढक्कन रख देना है, फ्लेम को हाई कर देना है ताकि ये चावल जल्दी से इस यहनी को पी लें और
ये आपको दिखाते हैं, तकरीबन 4 से 5 मिनट लगते हैं। चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे तकरीबन चावल पी चुके हैं लेकिन अभी ऊपर यह नहीं है, तो एक दफ़ा आपने इसकी मिक्सिंग कर देनी है। फ्लेम हाई होना चाहिए, ठीक है, बहुत हाई नहीं लेकिन हाई होना चाहिए ताकि चावल यहाँ पे गले ना, जस्ट पानी को पिए, ठीक है। एक दफ़ा आपने थोड़ी सी इसकी मिक्सिंग कर देनी है ताकि यानी एक जैसी चारों तरफ लग जाए। अब यहाँ पे पानी चावल पी चुके हैं, ये वो टाइम होता है जब आपने दम लगाना होता है। कभी भी यहनी या पानी की मौजूदगी में आपने दम नहीं लगाना, उससे चावल जो है हलवा बन जाते हैं, ठीक है। अब हम इसमें थोड़ा सा कुछ स्पेशल करेंगे, कुछ नया करेंगे, कुछ मज़ेदार करेंगे। वो क्या है, इसके ऊपर मैं कुछ मज़ेदार चीज़ें लगाऊंगा। सबसे पहले इसमें टमाटर जाएगा, बड़े बड़े स्लाइसेस आपने काटने हैं, ये दम के दौरान बहुत ही सॉफ्ट और मखर जैसे हो जाएंगे। ये है हमारे पास ब्राउन अनियन, फ्राइड अनियन, ठीक है, ये इसके ऊपर थोड़ा सा डाल देंगे खुशबू के लिए, फ्लेवर के लिए। और ये है हमारे पास हरी मिर्चें, 3 से 4 काट के, कट लगा के, और साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे अदरक के पीसीज इस तरह से, ठीक है। दम में ये एक तो इनकी खुशबू आ जाएगी और दूसरी बात कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हो जाएंगे। चलिए जी, अब आपने क्या करना है, नीचे तवा रख देना है, फ्लेम को ज़ीरो कर देना है। स्टार्ट में 2-3 मिनट फ्लेम हाई होगा ताकि तवा गर्म हो जाए, ऑफकोर्स उसके बाद आपने फ्लेम को कम और ज़ीरो कर देना है और इसको दम लगा देना है रुमाल के साथ तकरीबन 8 से 10 मिनट का, ठीक है, लो फ्लेम के ऊपर। चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दम लगाने के बाद तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जो दी उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये बिल्कुल जूसी और बहुत ही मज़े के खुशबूदार राइस है। रोटीन जो आप बनाते हैं पुलाव, उससे टोटली हटके है। इसमें थोड़ा सा मैंने कह लें कि टच दिया है सेवर पुलाव का, लेकिन ये उससे भी मज़ेदार होंगे। दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।